इसमें तो टेढ़ा होने का इधर। जी, बिल्कुल बात तो सही है, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटी मतलब जो स्टडी सेंटर है वो लोग वैसा एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं, बट कर लेंगे, आई डोंट थिंक कि कोई इशू होगा। नोटबुक आप ले नहीं अगर करके आपको प्रॉपरली उसमें क्वेश्चन पेपर लगा करके आप लिख सकते हैं, लेकिन साइज सोच मतलब देखिएगा कि A4 साइज का अगर हो नोटबुक तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पेपर भी आपको चिपकाना है, उसके बाद उसको लगाना हाँ है। हाँ मैं बड़ा ही सर्च कर लूंगा उसको। हाँ परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। आई गेस आकांक्षा ने भी आपको ज्वाइन कर दिखा दिया, आकांक्षा आवाज आ रही है दूंगा, आपको? मैं व्हाट्सएप पे भेज के मैं दिखा दूंगा। हाँ, ठीक है देन, ओके सर, ओके ओके ओके, ठीक है देन, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। मैंने PDF ऑलरेडी शेयर कर दिया था, ठीक है ना? तो MCU 4 बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑलरेडी एक टॉपिक हम लोगों ने किया हुआ है, ये वो क्वेश्चन है जो कि दिसंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग करेंगे, ठीक अच्छा है? फिर स्टार्ट करते हैं। हम्म। नाउ डिस्कस द इंटरेक्शन मैट्रिक्स ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, हाउ डज द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस द नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस एंड वाइस वर्सा, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो इंटरेक्शन है, ठीक है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, उसके कारण जो एक मैट्रिक्स क्रिएट होता है, एक जो एक सिचुएशन क्रिएट होता है, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है कि क्या है, कैसे वो काम करता है, और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के ऊपर किस तरह का असर पड़ता है, और नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के ऊपर किस तरह का असर पड़ता है जब कोई फैक्टर्स में किसी तरह के कोई चेंजेस अगर होते हैं तो, ठीक है ना? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में किसी तरह का कोई चेंजेस हुआ, उसके कारण से नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या उसका असर पड़ा, उसी के बारे में ये टॉपिक है पूरा का पूरा। उसको एग्जाम्पल के तहत हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है, ठीक है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक ओके में बता देता हूँ स्टार्ट करने के पहले, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या है। इकोनॉमिक में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जो इकोनॉमिक से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि आपका आपका जो इनकम है, आपका पर्सनल जो इनकम है, मुद्रा नेशनल को इनकम रिलेटेड। है, इन्फ्लेशन है ना, GDP वगैरह, NNP वगैरह, बहुत सारा टॉपिक जो है इकोनॉमिक्स में आ जाता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आ जाता है। अब इसमें अगर किसी तरह का चेंजेस होता है तो उसके कारण से जो नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, आपको याद है मैंने पेस्टल कल बताया था, प्रीवियस क्लास में मैंने पेस्टल बताया था, तो पेस्टल में जो ई है इकोनॉमिकल, उसको छोड़ करके बाकी जितने भी सारे फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में ही आएंगे, नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ही आएंगे, ठीक है ना? तो इकोनॉमिक अच्छा इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस हो रही हैं और उसका असर नॉन इकोनॉमिक पे क्या पड़ रहा है, ये हम लोग करेंगे, ठीक है? आई होप कि एक ओवरऑल व्यू बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसको टॉपिक को हाँ हाँ देखते हैं। ओके देन, नाउ द इंटरेक्शन मैट्रिक्स बिटवीन द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू द इंटरकनेक्टेडनेस और एंड म्यूचुअल इन्फ्लुएंस बिटवीन दीज टू एस्पेक्ट्स ऑन द बिजनेस, ठीक है? इंटरेक्शन मैट्रिक्स का मतलब यही है कि जो ये दोनों का इंटरकनेक्टेडनेस है, दोनों जो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और इसका जो इन्फ्लुएंस एक दूसरे के ऊपर पड़ता है जब बिजनेस को रन किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है, ठीक है ना? इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करूंगा, आई गेस कोई घर पे आया है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा होल्ड कीजिए। सर। ओके। एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आप लोग लाइन पे हैं? यस यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। तो जो इंटरकनेक्टनेस है इन दोनों के बीच में, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसका म्यूचुअल इन्फ्लुएंस क्या होगा। म्यूचुअल मतलब जब इकोनॉमिक फैक्टर में किसी तरह का कोई चेंजेस आ रहा है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, तो उसका नॉन इकोनॉमिक के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, और जब कोई नॉन इकोनॉमिक में इन्फ्लुएंस आ रहा है, कोई चेंजेस आ रहा है, तो उसका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, इसके बारे में हम लोग करेंगे, ठीक है? सो द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन इनकम पास, अब देखिए इसमें क्या क्या आ जाएंगे, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या क्या है। द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इनकम पासेस फैक्टर सच एज मार्केट कंडीशंस, एक मिनट जरा सा होल्ड कीजिएगा, एक मिनट।
Okay, guys. So the economic environment encompasses factors such as market condition, economic policies, inflation rates, interest rates, and overall economic performance. ठीक है. तो economic factors में, economic environment में ये सारे factors आ जाएंगे. ठीक है. Market condition आ जाएगा कि आपका market का condition किस तरह का है, लोगों के पास पैसा है या नहीं है. पैसा होगा तो ही वो लोग उस चीज को खर्च कर पाएंगे. मतलब एक तरह से इन्फ्लेशन से रिलेटेड होता है. इन्फ्लेशन का रेट क्या है? अगर महंगाई बहुत ज्यादा, अगर ज्यादा होगी तो आपके पास पैसे कम बचेंगे क्योंकि आपका खर्च ज्यादा होगा, और उसके कारण से आप जो है जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी होती है चीजों का खरीदना और बेचना, वो चीज फिर उसमें जो है असर पड़ने लगता है. तो उसके कारण से बिजनेस के ऊपर असर पड़ता है. ठीक है. तो इन्फ्लेशन रेट्स वगैरह हो गया, इंटरेस्ट रेट्स आपने सुना होगा, बैंक में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस आता है, उसका असर जो है बिजनेस के ऊपर पड़ता है. ठीक है ना. तो ये वो सारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं जिसके कारण से इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में बदलाव होते हैं और उसका असर जो है नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे पड़ता है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड अगर बात करें, द नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कॉम्प्राइजेस सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बिजनेस ऑपरेशन. ये देखिए पेस्टल वाला ही पॉइंट है. ठीक है ना. हाँ हाँ ये पॉलिटिकल वाला है, पॉलिटिकल लीगल है, टेक्नोलॉजिकल है, इन्वायरमेंटल है. हाँ में जहाँ पे इसका इफेक्ट दिखता है। यस यस. तो पेस्टल वाला ही है. तो इसके कारण से जो घर में असर पड़ेगा वो चीज यहाँ पे है. ठीक है. वाइस वर्सा है, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस है, इकोनॉमिक का नॉन इकोनॉमिक के ऊपर और नॉन इकोनॉमिक का इकोनॉमिक के ऊपर. ठीक है. द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस. ये तो हम मैं काफी देर से बोल ही रहा हूँ. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का असर नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पर पड़ता है. चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशन कैन इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सोशल ट्रेंड्स, विच इन टर्न शेप द नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. तो किसी भी तरह का अगर इकोनॉमिक कंडीशन में बदलाव होते हैं तो उसका असर जो है हमें कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर देखने को मिलता है. जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, बैंक में कई बार क्या होता है ना कि जो डिपॉजिट रेट्स है उसको बढ़ा दिया जाता है. बैंक में जब आप पैसे जमा करते हो तो उसकी रेट्स को देखना बढ़ा दिया जाएगा. तो जब आप बैंक में, आपको जब ये पता चलेगा कि बैंक में जब मैं पैसे जमा कर रहा हूँ तो मुझे वहां से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो आपके पास जो पैसे बचे हैं वो आप बैंक में रख दोगे रादर देन कि आप उसको खर्च करोगे. खर्च करने से ही इकोनॉमी चलती है, मार्केट में पैसा होता है. पर अगर आप खर्च ही नहीं करोगे, सारे पैसे अगर बैंक के पास चले जाएंगे, तो आपका जो इन्फ्लेशन है वो घट जाएगा. जो दाम किसी भी चीज का, प्राइस किसी भी चीज का तभी बढ़ता है जब हम उस चीज को खरीदते हैं. जो इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड भी है, जब प्राइस घटता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है ना. और लॉ ऑफ सप्लाई में क्या था कि अगर प्राइसेस ज्यादा होंगी तो सप्लाई भी उस चीज का ज्यादा होने लगेगा. ठीक है. तो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, हालांकि किसी और दिन कराऊंगा, कोई नहीं उसकी तरफ मैं नहीं जाता हूँ लेकर के. मेन बात मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जो कंज्यूमर का बिहेवियर है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा जब उसके पास पैसे नहीं होंगे. तो होने से कुछ और होता है, नहीं होने से कुछ और होता है. तो इकोनॉमिक कंडीशंस में वो एक पॉइंट है जिसके कारण से कंज्यूमर बिहेवियर में बदलाव आता है. कई बार देखना, जब किसी चीज की प्राइस, जैसे कि अभी टमाटर का एग्जाम्पल ले लो, टमाटर का प्राइसेस इतना ज्यादा हो गया है कि लोग अवॉइड कर रहे हैं उसको खाना, राइट. तो हमारा जो कंज्यूमर बिहेवियर है, जो हमारा बिहेवियर वो चेंज हुआ है. क्यों? हमारे इकोनॉमिक कंडीशन के वजह से. हम अफोर्ड नहीं कर सकते 250 रुपए, 300 रुपए टमाटर खरीद करके खाना, जबकि हम लोग, वो लोग 30 रुपए, 60 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 70-80 रुपए में मिल जाता था पहले. तो अभी वो चीज नहीं कर सकते हम लोग. तो इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण से कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर असर पड़ता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर असर पड़ता है इसका, और जो सोशल ट्रेंड्स है, सपोज टमाटर खाने का ट्रेंड है तो उसके ऊपर भी डेफिनेटली असर पड़ेगा. ठीक है. विच इन टर्न शेप द नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. और इसी, इन्हीं सब फैक्टर्स के कारण, चीजों के कारण इसका असर जो है नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे भी पड़ता है. कैसे? एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहला पॉइंट है कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर बिहेवियर बहुत ही एक फेमस, यहाँ पे एक एक क्या बताऊँ, स्टोरी है जहाँ पे बताया जाता है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में. किसी भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा होता है. ठीक है. जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताऊं, तो सपोज एक रोटी है और एक पिज्जा है. ठीक है. तो आपको डेफिनेटली, आप पिज्जा ज्यादा चूज करोगे रोटी के ऊपर, आप पिज्जा ही खाओगे सबसे पहले. ठीक है ना. तो आपका कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, कि कोई चीज अगर बेहतर है आपके पास तो आप उसको लेने की कोशिश करोगे, बशर्ते आपके पास उसको लेने के लिए पैसे भी होने चाहिए. खैर वो अलग चीज हो गया. तो आप पिज्जा लेने की कोशिश करोगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम खाने के बाद जो आपको अच्छा लगेगा, वो दूसरी बार खाने के बाद उतना अच्छा नहीं लगेगा, तीसरी बार और भी कम अच्छा लगेगा, चौथी बार तो हो सकता है कि आपको अच्छा लगे ही ना. पिज्जा आपको अच्छा एकदम नहीं लगेगा, पहली बार बहुत अच्छा लगा था. तो ये जो कंज्यूमर बिहेवियर में जो चेंजेस आता है,
इसी को यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि आपका बिहेवियर जो है चेंज होगा एज पर देयर अवेलेबिलिटी। अगर किसी चीज की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो आप उसको उतना वैल्यू नहीं करोगे, बट अगर अवेलेबिलिटी कम होगी तो आप उसको वैल्यू करोगे। कंज्यूमर बिहेवियर में बहुत सारी वैल्यू चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ कह रही हैं आप आकांक्षा? नो सर, सुन ओके रहे एक हैं। मिनट, जैसे मैं पानी पी लेता हूँ। ऑफिस ओके देन, तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक कंज्यूमर बिहेवियर में क्या क्या हो रहा है। इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इनकम लेवल, आपका इनकम किस तरीके का है आपका खर्च भी वैसा ही होगा। अगर सपोज आप अभी यस 50,000 कमा रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप खर्च करेंगी, लेकिन जैसे ही आप अगर 1 लाख रुपीज पर मंथ अगर आप कमाने लगेंगी तो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाएगा, तो आपका कंज्यूमर बिहेवियर भी बढ़ फिर उसके जाएगा। अकॉर्डिंग चेंजेस होने वाला है। यस, तो इनकम लेवल के कारण कंज्यूमर के बिहेवियर में चेंजेस होता है, एम्प्लॉयमेंट रेट्स जो होता है उसके कारण से होता है। आपको पता है कि अभी के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया में बहुत ही खराब है, तो अगर किसी के पास जॉब ही नहीं रहेगा तो कंज्यूमर का बिहेवियर तो चेंज होगा ही, वो बहुत सारी चीजों को नहीं लेना चाहेगा, अवॉइड करेगा, अवॉइड है ना। करेगा। दूसरा तीसरा है इन्फ्लेशन, है ना। इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जब महंगाई बढ़ती है तो कंज्यूमर के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, जैसे कि ये टमाटर वाला जो एग्जाम्पल अभी है। टमाटर वाला हाँ एग्जाम्पल यस परफेक्ट है। यस, डायरेक्टली अफेक्ट कंज्यूमर परचेजिंग पावर। ये देखिए परचेजिंग पावर की बात बोल दी गई कि आपका जो परचेजिंग पावर है उसके ऊपर असर पड़ रहा है, जिसके कारण से कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर तो असर पड़ेगा ही। आप उस चीज को खरीद ही नहीं पा रहे हो, आपके आपका बजट बिगड़ जा रहा है ना वो। एंड पैटर्न्स, ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक डाउनटर्न कंज्यूमर्स मे रिड्यूस डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग लीडिंग टू अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर नॉन एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। तो जब ऐसा कुछ होता है, जब आपका सिचुएशन जब इकोनॉमिक्स एक तरह से खराब हो जाता है किसी भी कंट्री का, ज्यादा पैसा बचता नहीं है, मार्केट में ज्यादा पैसा नहीं रहता है, तो उस कारण से क्या होगा, जो कंज्यूमर है उसके वो उसकी जो डिमांड है वो क्या करेगा, डिस्क्रिशनरी जो स्पेंडिंग होती है, मतलब ऐसा स्पेंडिंग जो कि बहुत ही स्कैटर्ड है। मतलब देखो जिसके पास पैसे होते हैं जिस चीज की जरूरत है वो भी लेगा, प्लस जिस चीज की जरूरत नहीं है या थोड़ी जरूरत है उसके लिए भी वो बहुत सारे सामान लेकर के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे हैं, है ना। तब तो वहां पे वो पैसे ज्यादा हैं ये सोचता नहीं है खर्च करने के बारे में कि खर्च करूं कि ना करूं, पर जब नहीं होता तो लोग सोचने लगते हैं बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, जब इकोनॉमिक डाउनटर्न होता है तो उस सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, नॉन एसेंशियल जो गुड्स एंड सर्विसेज है, ऐसी चीजें जो कि एसेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है, उसको वो सर। लोग फिर लेना बंद कर देते हैं। जैसे कि कोविड के टाइम पे आपको पता है कि एसेंशियल चीजों में मिल्क था और भी बहुत सारी चीजें थी जो कि बहुत ही एसेंशियल थी, जिसके लिए लोगों को घर से बाहर निकलने के यस लिए सर, अलाउ भी किया गया था कि आप घर से बाहर निकल सकते हैं, बट आपको इन्हीं सारी चीजों को लेकर के आना है। अगर आप कुछ और चीजें लाते हुए पकड़े गए तो, जैसे कि मेडिसिन हो गया, तो लाते हुए पकड़े गए तो आपको जो है फाइन वगैरह लग जाएगा या जो भी, घर से बाहर नहीं निकलना है वगैरह वगैरह। तो खर्च, अब उसके कारण से बहुत सारे लोगों का जॉब भी चला गया, तो जब जॉब चला गया तो पैसे कम है, पैसे कम है तो वो जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं, ऐसी चीजें जिनका जरूरत नहीं है, वो उस चीज को नहीं खरीदेंगे, है ना। तो वो एक कंज्यूमर बिहेवियर में बदलाव होता है जब इस तरह का कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न या फिर कोई इकोनॉमिक फैक्टर्स अगर कोई प्ले होता है, उस तरह का कुछ अगर सिचुएशन आता है तो, ठीक है। दूसरा यस दूसरा पॉइंट है गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज का असर तो पड़ता ही है। गवर्नमेंट पॉलिसीज में हालांकि मैं बैंक रेट के बारे में नहीं बोलूंगा, बट एक तरह से वो भी उस चीज में आ जाएगा। बैंक रेट जो होता है, जिसे आरबीआई है, आरबीआई गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के काम कर रही है। आरबीआई जो भी डिसीजन वगैरह लेती है अपने बैंक रेट में, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो जो यस सर। रेगुलेशन करती है उसके कारण से भी असर जो है पड़ता है। हाँ कुछ कह रही हैं आप आकांक्षा? नो सर, वो सीआरआर का कैश रिजर्व रेशियो यही बोल रहे थे। हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफन प्रॉम्प्ट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट स्पेसिफिक पॉलिसीज टू स्टिमुलेट और स्टेबलाइज द इकोनॉमी, ठीक है ना। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं भी बताता हूँ आपको। इकोनॉमिक कंडीशन अगर वैसा होता है, ऐसा कोई खराब सिचुएशन अगर आता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेसिफिक पॉलिसीज लेकर के आती है ताकि इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जा सके। यहाँ पे तो अभी रिसेंट का एग्जांपल अगर मैं दूं तो यहाँ पे कोविड का ही एग्जांपल है। कोविड के टाइम पे जब मार्केट तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, कुछ चल नहीं रहा था, हालांकि हमारा सिर्फ इंडियन मार्केट जो शेयर मार्केट है वही चल रहा था, बाकी तो मार्केट पूरी तरह से बर्बाद था। शेयर मार्केट भी कुछ कुछ चीजों के कारण ही चल रहा था। और एक और चीज था कि गवर्नमेंट ने उस टाइम पे बहुत सारा पैसा जो है, चंक जो है, उन्होंने रिलीज किया था मार्केट में इन्वेस्ट करने, मतलब एक तरह से मार्केट में रिलीज किया था ताकि लोगों के पास जो है पैसा आए, हालांकि उसके लिए भी कमाना पड़ेगा,
बट फिर भी मार्केट में पैसे की अवेलेबिलिटी को बचाए रखने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा जो है मार्केट में इन्फ्यूज किया था, आपने सुना भी होगा। राइट सर, तो 20 लाख ये वो करोड़ एक चीज है कि जब इकोनॉमिक कंडीशन आपका खराब हो रहा है तो गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज बना रही है या कुछ ऐसी चीजें कर रही है जिसके कारण से इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जा सके। एक और एग्जाम्पल है 1991 का, जो हमारा एलपीजी हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसमें आपको पता है कि जो ग्लोबलाइजेशन हमारा इंडियन जो इकोनॉमी है उसको ओपन कर दिया गया था, ठीक है ना, ताकि बाहर के जो प्लेयर्स थे, जो बाहर के बिजनेसेस थे, फॉरेन जो बिजनेसेस थे, वो इंडिया में आ पाए। इवन जो इंडिया के बिजनेसेस हैं वो भी प्राइवेट जो कंपनीज थी उनको अलाउ किया गया कि आप गवर्नमेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके शेयर खरीद सकते हो, है ना। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो उस टाइम पे की गई। तो उसको करने के पीछे रीजन क्या था? रीजन यही था कि हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही खराब था। हमारे पास सिर्फ 15 या 16 दिन का हमारे पास पैसा बचा था कि हम अपने कंट्री को रन कर सकते थे। किसी भी जी कंट्री को रन करने के लिए सर। आपको बाहर से बहुत सारा सामान जो है इंपोर्ट करवाना पड़ता है। आप जब इंपोर्ट करवाएंगे तो आपको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो इंडिया के पास उस टाइम पे डॉलर था ही नहीं, बहुत ही कम था, सिर्फ 15 दिन तक ही चल पाता इतना पैसा था। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे क्या किया, इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया, ओपन कर दिया सभी के लिए। तो इकोनॉमिक कंडीशंस में, इस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन में गवर्नमेंट जो है स्पेसिफिक पॉलिसीज लेकर के आती है ताकि इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जा सके। फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग रिसेशन, देखो रिसेशन की बात की गई है, गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस फिस्कल पॉलिसीज लाइक टैक्स कट्स और मॉनेटरी पॉलिसीज सच एज लोअरिंग इंटरेस्ट रेट टू एनकरेज कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, है ना। गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स कट कर यस देगी। अगर आपको पता चले कि किसी चीज में इन्वेस्ट करने के पहले आपको 20 रुपए टैक्स देना पड़ रहा था, अभी आपको सिर्फ 5 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है या फिर 7 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो भी पैसे आपके यस पास है आप वो इन्वेस्ट कर देंगे, है ना। इन्वेस्ट करेंगे यस सर। क्योंकि आपको टैक्सेस जो है कम देना पड़ रहा है। अमेरिका इतना ग्रो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वहां पे टैक्सेस जो है वो बहुत ही कम है, और टैक्सेस का भी इतना सारा लूपहोल्स उन लोगों ने बना दिया है कि टैक्सेस अगर है भी तो वो ऐसे ऐसे चीजें करते हैं जिससे वो अपने टैक्सेस को बचा पाते हैं। और वो लोग अपनी, अब टैक्सेस अगर आप बचेंगे, आपके पास पैसे बचेंगे, पैसे ज्यादा बचेंगे तो आप उसको ज्यादा मार्केट में यूज करेंगे, तो उससे कोई भी इकोनॉमी जो है वो बड़ी यस होगी। इकोनॉमी के पीछे, बड़ा होने के पीछे सोल रीजन यही है कि स्पेंडिंग कितनी ज्यादा बढ़ती है। स्पेंडिंग बढ़ेगा, इनकम भी किसी और का बढ़ेगा, तो उस तरीके से ही पूरा जो है मार्केट इकोनॉमी जो है वो चलता है। तो गवर्नमेंट जो है इस तरह के सर चीजें जो है करती हैं ताकि जो लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है मार्केट के तरफ, जो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं वो लोग करें। इंडिया में भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आपको पता है बिटकॉइन को एक तरीके से लीगलाइज कर दिया गया, उसके ऊपर हालांकि टैक्स लगा दिया गया बट बिटकॉइन को लीगलाइज कर दिया गया। जो भी रिसेंट ट्रेंड्स है ज्यादा उसके साथ गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट कोप हो अप रहा था करके कल चलना से पड़ेगा। क्या किशन, कस्टमर जो जो नागरिक है इंडिया को ज्यादा यूज करने लगा था बिटकॉइन, इसलिए उसको लीगलाइज कर दिया। गवर्नमेंट को तो टैक्स तो मिल ही रहा है। हाँ 30-40% के आसपास उन लोगों ने टैक्स लगा दिया, और लीगलाइज करना जरूरी भी था। इसलिए भी जरूरी था क्योंकि जो बाहर का ट्रेंड है उसके साथ आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी ना एक इकोनॉमी सिर्फ अपनी इकोनॉमी नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमी हो गई है। कहीं भी कुछ भी होगा उसका असर इंडिया में पड़ेगा, है ना। तो वो जी उसके हिसाब से फिर आपको चलना भी पड़ेगा। अगर बिटकॉइन में लोगों को इंटरेस्ट है, लोग पैसा लगा रहे हैं, अब पैसा लगा रहे हैं तो उनको फायदा भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है, उसके साथ साथ वो लोग चार्जेस भी पे कर रहे हैं, तो उससे कंपनीज को फायदा होता है, गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, क्योंकि वहां से टैक्सेस वगैरह जो है गवर्नमेंट के पास जाता है। प्लस अभी तो 30-40% जो टैक्स लगाया है सो तो है ही एक चीज। तो वही सारी चीजें जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंडर में आएंगी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज इसलिए इंपॉर्टेंट है। नाउ दीज पॉलिसीज शेप द नॉन इकोनॉमिक एनवायरमेंट बाय इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस रेगुलेशंस, टैक्सेशन एंड फंडिंग अवेलेबिलिटी। अब ये जो पॉलिसीज है इसके कारण से जो भी नॉन इकोनॉमिक एनवायरमेंट है वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस होता है। अब जो बिजनेस की रेगुलेशंस है उसमें चेंजेस आते हैं, टैक्सेशन के ऊपर चेंजेस आते हैं, फंडिंग अवेलेबिलिटी, आप किस प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो, कहाँ लगाना है, किसमें कितना लगाना है, वो सारी चीजें जो है असर पड़ता है जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज में किसी भी तरह का बदलाव होता है। तो बदलाव ठीक है, तो ये दूसरा था। तीसरा था सोशल ट्रेंड्स, सोसाइटल ट्रेंड्स या फिर सोशल ट्रेंड्स, जो भी आप बोलें। इकोनॉमिक फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस सोशल ट्रेंड्स एंड वैल्यूज, है ना, किस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल इन ए ग्रोइंग इकोनॉमी विथ हाई डिस्पोजेबल इनकम देयर मे बी एन इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ड्यू टू राइजिंग एनवायरमेंटल कंसर्न अमंग कंज्यूमर्स। देखो सोशल ट्रेंड में अभी आपको पता है कि लोग ज्यादा वीगन होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इको फ्रेंडली चीजें जो है खाने की कोशिश कर रहे हैं,
क्योंकि लेकिन इको फ्रेंडली चीजें वही यस खा पाते हैं या फिर वीगन वही हो पाता है जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। तो ऐसा कोई इकोनॉमी अगर है, जैसे अमेरिकन इकोनॉमी ले लो या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज की जो इकोनॉमी है, वो बहुत ही हाईली डिस्पोजेबल इनकम वाली इकोनॉमी है, उनके पास इतने पैसे हैं कि वो लोग खर्च कर सकते हैं इन सब चीजों पर। तो सभी को पता है कि इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली जो चीजें हैं वो आपको यूज करनी चाहिए, ताकि उसका असर जो है इन्वायरमेंट के ऊपर गलत ना पड़े, ठीक है, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान उससे ना पहुंचे। लेकिन हमारे जैसे कंट्री में अगर हम सिर्फ इकोनॉमी, सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में सोचेंगे, इको फ्रेंडली चीजें करने के बारे में सोचेंगे, तो बहुत दिक्कत होगी। अभी जैसे अमेरिका बहुत को या एक फिर जो G20 नेशंस हैं या फिर जो एक और क्योटो प्रोटोकॉल का आपने नाम सुना होगा, जो कि एनवायरनमेंट को लेकर के क्रिएट किया गया था, उसमें बहुत सारी कंट्रीज ने ना ओथ लिया था कि हम लोग जो है कार्बन एमिशन को रिड्यूस करेंगे, जो कार्बन जो पैदा होता है कारखानों में काम करने की वजह से उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे। तो उसके वजह से जो इंडिया जैसी जो डेवलपिंग नेशंस है उनको बहुत नुकसान हुआ और होने वाला भी है इन फ्यूचर में, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज और जो अमेरिकन जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं वो लोग ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड हैं। वो लोग अगर अपने कार्बन एमिशन को कम कर भी लें तो उनके ऊपर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री जो कि अभी डेवलप कर रही है, हमारे लिए चीजों के ऊपर, चीजों को मैन्युफैक्चर करना या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं जिसके कारण से कार्बन एमिशन हमारा ज्यादा है बाकी सारी कंट्रीज के मुकाबले। पर अगर हम कार्बन एमिशन के ऊपर अगर रोक लगाएंगे, उसको अगर हम करेंगे नहीं, तो उसका असर जो है वो हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। हालांकि हम लोग भी खर्चा बढ़ना। उस प्रोटोकॉल का हिस्सा है तो हमें भी मानना ही पड़ता है, बट ये बहुत ही नाइंसाफी है कि आप चूंकि वो लोग डेवलप हो गया है तो वो लोग ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें हमें भी मतलब वो चीज हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग उस चीज का हिस्सा है। खैर, तो इको फ्रेंडली चीजें वही अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास उतने पैसे हो या उन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा जो ट्रेंड है, अभी ट्रेंड यही चला हुआ है कि आपका जो जो इम्फेसिस है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की बात की जाती है, उस तरह के प्रोडक्ट वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे ऐसे लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इंडिया में तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे जिनके पास पैसे नहीं है, ठीक है ना। तो वो चीजें हैं, तो सोसाइटल ट्रेंड के कारण भी जो है इम्पैक्ट पड़ता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण जो है सोसाइटल ट्रेंड के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। आपके पास पैसे होंगे तो ही आप सोसाइटल ट्रेंड्स को फॉलो कर पाएंगे। अभी जैसे एक पानी का बहुत ही फेमस चल रहा था ना, एक कुछ ब्लैक वाटर करके निकला था, जो लोग ब्लैक वाटर पी रहे थे, तो पानी तो पानी है लेकिन ब्लैक वाटर का वो जो बॉटल था 500 ml का, वो सिर्फ 100, मतलब वो 100 रुपए का था, 500 ml पानी 100 रुपए में। तो ऐसा तो ये ईमानदार हालांकि ये ट्रेंड भी बन रहा था, अभी उस टाइम पे काफी न्यूज में था, लोग ट्रेंड में होने के कारण लोग उसको यूज भी कर रहे थे, पर क्या लॉन्ग टर्म में हम लोग उस चीज को यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, कोई चांस ही नहीं नो बन सर पाएंगे, पैसे ही नहीं हमारे पास। तो सोशल ट्रेंड्स में वही सारी चीजें हो पाती हैं जो कि जिनके पास उतने इनकम है, ठीक है। तो सोशल ट्रेंड जो है इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण से इन्फ्लुएंस होता है। अगर आपके पास पैसे होंगे तो सोशल ट्रेंड्स होगा, मतलब आप सोसाइटी में जो भी ट्रेंड्स चल रही हैं उसको आप फॉलो कर पाएंगे। और अगर जी इकोनॉमिक फैक्टर्स आपके लिए अगर पॉजिटिव नहीं है, आपके पास अगर उतने पैसे नहीं है, तो फिर आप उन सारी चीजों को आप फॉलो नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो राइट वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे देखो बताया गया, देयर मे बी इंक्रीज्ड एम्फेसिस ऑन द सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ड्यू टू राइजिंग एनवायरमेंटल कंसर्न अमंग कंज्यूमर्स। अब देखो इंडिया में हम लोग ऐसा नहीं कि नहीं सोचते हैं हमारे एनवायरनमेंट के बारे में, बिल्कुल सोचते हैं, लेकिन फिर भी लोगों में उतना अवेयरनेस नहीं है। और अगर अवेयरनेस हो मतलब हो भी पाएगा, फिर भी हम लोग उस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते। कितना ही बोला जाए कि प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, कम करना है, लेकिन हम लोग पेपर बैग यूज कर ही नहीं सकते, पेपर बैग को बनाने का खर्चा ज्यादा है, तो पेपर बैग हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। प्लास्टिक बैग सस्ते में आ जाती हैं और हम लोग कितना भी अवॉइड करने की कोशिश करें दिक्कत होगा, लेकिन जो फॉरेन की कंट्रीज है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो लोग अपना एनवायरमेंट को बेहतर कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास पैसे हैं उतने, ठीक है। सो दिस शिफ्ट एंड सोसाइटल वैल्यूज अफेक्ट द नॉन इकोनॉमिक एनवायरमेंट। लेकिन हाँ, इंडिया में भी धीरे धीरे जाकर के ये सिचुएशन आएगा कि जब लोग ज्यादा अवेयर होंगे, उन सब चीजों का यूज कम करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। तो वही बोला जा रहा है कि जो सोसाइटल वैल्यूज है उसके कारण से भी नॉन इकोनॉमिक एनवायरमेंट जो है हमारा, सोसाइटल वैल्यूज, उसके ऊपर जो है असर पड़ता है। As बिल्कुल businesses adapt their practices to meet consumer demands, ठीक है, societal trend भी एक पॉइंट में आ जाएगा। Conversely, उल्टे तरफ से अगर देखा जाए तो जो नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसका भी इम्पैक्ट जो है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ता है। कैसे? थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। यस
ओके देन तो उसका असर भी जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ता है, इकोनॉमिक आउटकम के ऊपर पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है ना, आपकी टेक्नोलॉजी कितनी स्ट्रांग है ना, वो उसके ऊपर भी असर पड़ता है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हैव अ प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ब्रेक थ्रूज इन एरिया सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन एंड ई कॉमर्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस मॉडल्स। दीज एडवांसमेंट्स हैव लेड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस कॉस्ट एंड क्रिएशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है ये नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा है, लेकिन जब इसमें इंप्रूवमेंट आएगा, जब टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आएगा, तो आपकी आपका जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ेगा। कैसे? कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी अगर बहुत अच्छी होगी तो आप किसी भी काम को बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे, है ना। यहाँ पे देखो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, ऑटोमेशन की बात की जा रही है, किसी चीज को अगर हम अपने हाथों से बनाएंगे तो उसमें काफी टाइम लगेगा और आप एक दिन में ज्यादा बना भी नहीं पाएंगे। पर उसी चीज को अगर कोई मशीन बना रही है, तो एक तो आपको अपना हाथ नहीं चलाना पड़ रहा, मशीन चला रही है, वो काम कर रही है, और वो आपसे ज्यादा चीजों को डिलीवर कर पाएगी। आप अगर 10 बना रहे थे, वो 100 चीजों 100 प्रोडक्ट्स बना पाएगी एक ही दिन में। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के कारण से आपका इकोनॉमिक जो है उसके ऊपर भी असर पड़ रहा है। अगर आप 10 की जगह 100 बना रहे हैं उसके जगह, और उसको फिर बेच रहे हैं मार्केट में, पहले 10 बना रहे थे तो 5 बेच रहे थे, अभी 100 बना रहे हैं तो 55, 50, 60 जो भी आ रहा है आप वो उतने ज्यादा बेच पा रहे हैं। तो जितना आप प्रोडक्ट को सेल करेंगे, आपका जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो और बेहतर होता जाएगा, है ना। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का असर जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर भी पड़ता है। और एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, ई कॉमर्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस मॉडल्स। दीज एडवांसमेंट हैव लेड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब इसके कारण से क्या हुआ, जो प्रोडक्टिविटी है उसमें इंक्रीज हुआ है, जो कॉस्ट है बनाने का, खर्चा जो है उसमें एक बहुत ही कमी आई है। हाँ अंकुर लेबर किशन, कॉस्ट, हाँ सर, लेबर कॉस्ट भी कम हाँ हो जाता है। यस, लेबर लेबर कॉस्ट कम किया, वो तो खत्म ही हो गया। कोई चीज अगर ऑटोमेटिक हो जा रही है तो वहां पे तो लेबर का जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑटोमेटिक एक एक बंदा होगा सुपरवाइज करने, सिर्फ चीजों को देखेगा कि ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेबर एक तरीके से हो हट रहा है। ही गया, तो एकदम ही कम हो गया लेबर कॉस्ट। तो वो एक चीज है, आप सही बोल रहे हैं वैसे। एंड क्रिएशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, अब इसके कारण से जो नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है वो भी क्रिएट हो पाती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण। सो टॉपिक को याद रखना है, टॉपिक है हमारा कि किस तरीके से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट नॉन इकोनॉमिक के ऊपर असर डालता है और नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इकोनॉमिक के ऊपर असर डालता है। तो इकोनॉमिक का असर नॉन इकोनॉमिक के ऊपर क्या पड़ेगा, ये हम लोगों ने कर लिया था। अभी हम लोग कर रहे हैं कि नॉन इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है उसका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, तो ऐसे फैक्टर्स जिसका असर इकोनॉमिक्स के ऊपर पड़ता है। कैसे? गवर्नमेंट की रेगुलेशंस, ठीक उसका उल्टा है, जो हम लोगों ने ऊपर में किया वही सारी चीजें नीचे में भी हैं लेकिन उल्टी हैं। कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस अगर पॉजिटिव होंगी तो चीजें अच्छे तरीके से चलेंगी। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशन, ट्रेड पॉलिसीज, लीगल फ्रेमवर्क सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, डेफिनेटली पड़ता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने सपोज किसी चीज के ऊपर टैक्सेस लगा दिए, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हार्मफुल है उस चीज के ऊपर, जैसे कि टोबैको हो या फिर सिगरेट हो गया, इन सब के ऊपर टैक्सेस जो है गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा लगा दिए ताकि लोग उसका कम यूज करें। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लोग कम यूज करें, वो तो करेंगे ही, बट टैक्सेस ज्यादा लगाई जाती हैं। तो जब टैक्सेस ज्यादा लगाई जाएंगी तो बहुत सारे लोगों के पॉकेट के ऊपर असर पड़ेगा। पहले अगर 10 पी रहे थे, अभी एक ही पियेंगे। तो जो गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस है, जो ट्रेड पॉलिसीज हैं, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है ना कि आप चीजों को बाहर बेचते हो, बाहर की चीजें इंडिया में आती हैं। तो सपोज आपने कोटा कोटा सिस्टम अप्लाई कर दिया कि बाहर से जो इंडिया में चीजें आएंगी वो 10 ही आएंगी। मैं नंबर में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले सपोज 15 आ रही थी, अभी 10 का कोटा आपने लगा दिया कि 10 से ज्यादा जो है इंडिया में नहीं आएगा, तो इसका असर आपके बिजनेस के ऊपर पड़ेगा। आप सपोज जो बाहर से चीजें आ रही थी उसी को पैकेजिंग करके आप इंडिया में बेच रहे थे, पहले 15 आ रही थी अभी 10 आ रही है, तो आपके बिजनेस के ऊपर असर पड़ा, आपका जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो इकोनॉमिक एनवायरमेंट है उसके ऊपर असर पड़ा। वही सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशन, ट्रेड पॉलिसीज, लीगल फ्रेमवर्क, ये सारी चीजें एक ही तरह की होती हैं, इसका असर जो है इकोनॉमिक एनवायरमेंट के ऊपर पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, चेंजेस इन लेबर लॉज और ट्रेड एग्रीमेंट्स कैन अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। वही चीजें हैं, लेबर लॉ में किसी तरह का कोई बदलाव हो गया गवर्नमेंट ने किया, या कोई एग्रीमेंट में किसी भी तरह का बदलाव हुआ है, इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस, सप्लाई चेन डायनामिक्स, देयर बाई शेपिंग इकोनॉमिक आउटकम, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण से जो है इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर, इकोनॉमिक आउटकम के ऊपर असर पड़ता है। सोशल फैक्टर्स, सोसाइटल एटीट्यूड्स, कल्चरल नॉर्म्स, है ना। जैसे कि सपोज हमारे इंडिया में साड़ियां बहुत चलती हैं,
राइट साड़ी लोग पहनना पसंद करते हैं, बट बाहर की कंट्रीज में साड़ियां उतना नहीं चलती, वहां लोग जो है साड़ी नहीं पहनेंगे, वहां पे जो लोग वो पहनते हैं वही लोग वो पहनेंगे। तो जो सोशल जो एटीट्यूड है हमारा किसी चीज को लेकर के, चाहे पहनावे को लेकर के या फिर खाने की चीजों को लेकर के, वो हमेशा आपके साथ ही रहेगा। तो अगर सपोज आप दिल्ली में हो और वहां का कोई कुछ भी बहुत ही फेमस चीज है, छोला भटूरा ले लो या फिर कुछ भी ले लो, तो वहां पे अगर हम कुछ नॉन नॉन दिल्ली हाइट्स अगर हम लोग उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो लोगों में क्यूरियोसिटी होगी, लेकिन हो सकता है कि लोग उस चीज को ना खाने आए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एग्जैक्टली सोशल जो है वो अलग ही किस्म का है कि हम मुझे ये चीजें खानी पसंद है, नई चीजें हम ट्राई नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो जो सोशल एटीट्यूड है, जो कल्चरल कल्चर है ना, जिस जगह पे जो चीज चल रही है आपको उस जगह पे वही प्रोडक्ट को सेल करना है, आप कुछ और नया लेकर के आओगे तो हो सकता है कि वो ना चले। तो जो सोशल ना चले एटीट्यूड बराबर है, कल्चरल नॉर्म्स है, डेमोग्राफिक शिफ्ट है ना, इसके कारण से जो है इकोनॉमिक ट्रेंड्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर जो है पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर हेल्दियर फूड ऑप्शंस हैव प्रॉम्प्टेड द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे बोला गया है कि लोगों के मन में अभी जो है एक बात आ गई है कि जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें पेस्टिसाइड वगैरह बहुत ज्यादा होता है, तो हम ऑर्गेनिक फूड खाएंगे, हम अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे। तो उसके कारण से जो ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्रीज है उसमें बहुत बूम आ रहा है, उसमें वो लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री और बड़ी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर में वो चीज जो है फीलिंग आई है कि हम हेल्दियर फूड जो है खाएंगे। तो सोशल सोशल फैक्टर्स में ये चीजें आ जाएंगी, इन्फ्लुएंसिंग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बाई क्रिएटिंग न्यू मार्केट्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इसके कारण से ये सारी चीजें होती हैं, ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री जो है बढ़ रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है बस, ठीक है, और इसको कंक्लूड करता हूँ। इन समरी अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स आर इंट्रीकेटली कनेक्टेड, है ना, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कंप्लीटली कनेक्टेड है, जुड़ा एंड ईच इन्फ्लुएंसिंग द अदर, और दोनों एक दूसरे को हुआ इन्फ्लुएंस कर रहा है। द करते इकोनॉमिक हैं। इन्वायरमेंट, कुछ कह रही है? नो सर, ओके, द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट द नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट थ्रू कंज्यूमर बिहेवियर, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सोसाइटल ट्रेंड। जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे? कंज्यूमर बिहेवियर से, गवर्नमेंट पॉलिसीज से एंड सोसाइटल ट्रेंड से। सिमिलरली उसी तरीके से जो नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो भी गवर्नमेंट जो इन्वायरमेंट जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसको इन्फ्लुएंस करती है, कैसे? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स के थ्रू, क्या सोशल चेंजेस के थ्रू, जो ऊपर हम लोगों ने किया है उसी को यहाँ पे छोटा करके बताने की कोशिश की गई है। हाँ यस अंडरस्टैंडिंग सर, दिस नीचे इंटरैक्शन सर अच्छा से मेट्रिक्स, बता दिया क्या क्या, है, ये जो नीचे समरी में जो बताया वो अच्छे से बता दिया है, मोटा मोटा समझ हाँ में आ जाता है। कंक्लूड कर दिया अच्छे तरीके से। अंडरस्टैंडिंग दिस जी इंटरैक्शन मैट्रिक्स इज क्रूशियल फॉर बिजनेस टू अडैप्ट डायनेमिक एनवायरनमेंट एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजंस, ठीक है ना। अब ये जो जी मैट्रिक्स है इसके बारे में अगर आपके पास पूरी जानकारी होगी तो जो जो भी बिजनेस में आपके चेंजेस आ रहे हैं, जो भी डायनेमिक चेंजेस है, डायनेमिक मतलब गत्यात्मक चीजें जो है चलती रहती हैं हमेशा, जो भी चेंजेस आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग आप खुद को अडैप्ट कर पाओगे और सही सही डिसीजन ले पाओगे, अगर ये जो इंटरेक्शन है मैट्रिक्स का ये अगर आपको ठीक तरीके से पता रहेगा। तो अगर आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में किसी तरह का बदलाव हो रहा है तो अगर आपको तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसका असर नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे किस तरीके से पड़ने वाला है, अगर आप इस मैट्रिक्स को ठीक राइट तरीके से समझेंगे। तो बिजनेसेस ऐसे ही चलती हैं, वो लोग फॉरकास्ट करती हैं, प्रिडिक्ट करती हैं कि गवर्नमेंट का अगर ये रूल आ रहा है तो इसका असर लॉन्ग टर्म में हमारे बिजनेस के ऊपर क्या पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो लोग जो है डिसीजन वगैरह अपना लेते हैं, ठीक है। राइट सर, सो दैट्स इट, आई होप कि वीडियो समझ में आ गया होगा, मैं शेयर कर दूंगा ओके वीडियो, हालांकि यूट्यूब पे भी अपलोड करने वाला हूँ पर टाइम नहीं मिल पा रहा जरा सा भी, तो अगर इसको आप दोबारा देखना चाहें तो यूट्यूब में देख सकते हैं, ठीक है, ओके मैं सर, वहां वी अपलोड करूंगा तो ठीक लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक सर, वी विल जी सर, लुक ओके केयरफुली ओके, सर। ये PDF मैंने मैं शेयर कर सर दिया था। इसको इसको नोट सर, ये जो आपने लिखा है इसको नोटबुक में हम लोग लिख सकते हैं हाँ, ये क्वेश्चन और PDF मैं शेयर कर भी दूंगा, ये नोट्स मैं शेयर ही कर दूंगा आपके साथ, आप उसको बस स्टडी करते रहिए, आंसर। ठीक हाँ है। अच्छा ये क्लास जो है हम ओवर हो एक्सक्यूज जाएगा क्या? मी सर, सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए जल्दी। सर जैसे मैंने भी असाइनमेंट बनाना स्टार्ट नहीं किया है सर, तो मैं पेजेस जो कहते हैं वो वन साइड रूलर और वन साइड ब्लैंक यूज करें, या तो दोनों साइड मतलब रूलिंग ही यूज करें, क्योंकि सर हम लोग का तो मतलब कुछ डायग्राम्स वगैरह तो बनाना नहीं है। हेलो, डायग्राम उतना जरूरी नहीं होता, हालांकि आप बोथ साइड वाइट अगर यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट अगर आपको रूल में लिखना है, प्रॉब्लम्स हो रही है, तो A4 साइज में रूल वाला भी आता है तो आप उसमें भी लिख सकती हैं, वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, दिक्कत नहीं होगी। तो वन साइड रूलिंग और वन साइड ब्लैंक वाला यूज कर ले तो वो ज्यादा बेटर रहेगा।
हेलो। आई गेस तो हाँ।